हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हो? आप सभी का एक और विलेज ब्लॉग पर स्वागत है। सुबह के बज गए हैं 6 और अभी ठीक से उजाला नहीं हुई है। आज सोमवार के दिन है और मैं लिपाई कर रही हूँ। अब लगा रही हूँ मैं पोतनी। ओ मम्मा, अभी राज का दूध है, ये नए गैया जनते हैं ना, तो ये सब दूध निकलते हैं शुरू में, तो ये किची वाला दूध, तो अभी राज पी रहे हैं किची वाला दूध। ठंडा कर दूं? ठंडा अभी ठंडा ले, गरम है, मजा आ गया। तो फिर आज बनाने वाली हूँ पत्ते गोभी और आलू की सब्जी। तो वो हमारे देश, हमारे गांव पे कैसे बनाए जाते हैं पत्ते गोभी, तो बने रहे वीडियो पे, दिखाएंगे आप लोगों को आखिरी तक। और इधर पे मैंने रखी हूँ चावल, चावल डाल दी हूँ मैंने, अभी पक रहे हैं, फिर हम इसकी पानी निकाल देंगे, यानी कि अभी नहीं चुड़ी है, चुड़ रहा है। और तब तक कि हम लहसुन प्याज मिर्ची इसको कट कर लेंगे। तो चावल मेरी पक गई है, अब मैं पसा रही हूँ। तैयारी कर रही हूँ, देखो मैंने कढ़ाई गरम होने के लिए रख दी है और मिर्च प्याज भी कट गए हैं और अब लहसुन। सबसे पहले डालूंगी मैं राई, देखो राई भी तड़क गए हैं, चिटक गए हैं, और अब डाल दूंगी मैं लहसुन। लहसुन के बाद ना मिर्ची और प्याज, पत्ते गोभी में राई अच्छे लगते हैं मुझे, तो मैंने राई डाली हूँ। और आपको भी पसंद आए तो ज़रूर डालना। और अब डाल दूँगी टमाटर, और आज मेरे चूल्हा भर नहीं पा रहा है, अच्छे से पानी गिर जाते तो बस गाँव में चूल्हों में यही हाल होता है, रोज़ के बनाना पड़ता है, आग ठीक से नहीं भर पाती है। और अब डाल देंगे मसाला, तो मसाला भी डाल दूंगी मैंने, और अब थोड़ा सा डालेंगे पानी। तो कहाँ है, और हम पकने देंगे अब अच्छे से मसाले। तो आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रहा है, देखो मसाला पक गए हैं। तो अब मैं डाल दे रही हूँ सब्जी, ये देखो सारा कढ़ाइया भरा गया है सब्जी में, इसको धीरे धीरे मिलाना पड़ेंगे, वरना कैसे मिलेंगे। अब इसको ढक के पकने देंगे। तो हमने क्या हल बना दिए हैं खाना बनाते हुए, तो अब जब आदमी हल, अंबिका पी रही है दूध, पी ले बेटा, नहीं उसको चाहिए,
अंबिका बिस्कुट के लिए हैं। तो दूध तो पी लो, पहले पी लो दूध जल्दी हैं। और ये शैतान को देख, जो शैतान को देख सबसे पहले बहुत परेशान करता है सुबह सुबह, तो मम्मा को भी, और रख देख ये बहुत परेशान करता है ना, तो मैं भी करूंगी। मत करना, नहीं पी रहे दूध, नहीं नहीं पी रहे, बोलो बिस्कुट चाहिए, लेके आ बिस्कुट। तो अब लगाऊंगी मैं पोछा।